मध्य प्रदेश के कटनी जिले में माधवनगर थाना क्षेत्र के बंगला लाइन से आधी रात को लग्जरी कार चोरी करके भाग रहे वाहन चोर हादसे का शिकार हो गए हैं बता दें कि जिले के बंगला लाइन निवासी राजकुमार लखानी के घर के बाहर खड़ी लगभग 15 लाख रुपए कीमती लक्जरी कार देर रात अज्ञात चोर लेकर फरार हो गए जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस को दी है वही प्राथमिक जाँच में ये बात सामने आई की कार को चाबी के माध्यम से खोलकर चोरी की गई है इधर पुलिस जांच कर रही थी इसी बीच जबलपुर कटनी हाईवे से जानकारी मिली कि चोरी हुई चोरी हुई कार दुर्घटनाग्रस्त हालत में खड़ी है जानकारी के अनुसार हादसे के दौरान कार में चार युवक सवार थे जो कि कार लेकर भाग रहे थे वहीं उन चारों युवकों को गंभीर चोटें आई हैं जिसके लिए उन्हें निजी निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है वही पुलिस चारों घायलों के स्वस्थ होने का इंतजार कर रही है ताकि उनके ठीक हो जाने के बाद चोरी के इस मामले को खुलासा कर सके कटनी से संवाददाता हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट ये राजेश लखानी रहते हैं राजकुमार नामदेव के घर में करी लाइन सिंधु भवन के पास इनके पास एक ब्रेजा कार थी जो चोरी हो गई है ऐसी रिपोर्ट उनके भाई ने लिखाया है जिसकी तस्दीक की जा रही है जांच की जा रही विवेचना की जा रही है ऐसा ऐसा पता चला है कि कार का एक्सीडेंट पनागर थाने जबलपुर में हो गया है जिसकी तस्दीक की जा रही है